हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं दी केमिस्ट्री तड़का। सो गाइस आज का जो प्रैक्टिकल है वो बेसिकली इनमिसिबल लिक्विड के बारे में, मतलब आपको पता होगा कि अगर मैं वाटर में किसी और लिक्विड को मिलाऊं तो वो मिल जाता है, क्लियर। सो अगर वो मिल जाता है तो वो हम अलग कैसे करेंगे, वही हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइस मैं फटाफट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं। उसके लिए गाइस मैं एक वाटर लूंगा और एक दूसरा ऑर्गेनिक लिक्विड लूंगा और वो दोनों लिक्विड क्या होते हैं गाइस, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। सो अगर दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे तो आप उसको अलग कैसे करोगे, तो मैं एक जुगाड़ फिर एक केमिस्ट्री का टेक्निक यूज करने वाला हूं जिससे उस दोनों इनमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर दूंगा। सो उसके लिए मेरा पूरा प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा आपको। सो मैं प्रैक्टिकल क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। सो फ्रेंड्स ये मेरा पहला लिक्विड है जो आप देख रहे हैं, ये वाटर है, क्लियर, प्योर वाटर है। सो मैं जो दूसरा लिक्विड यहां पे ऑर्गेनिक लिक्विड यूज करने वाला हूं ये हमारा एसीटोन। एसीटोन बेसिकली क्या होता है कि ये एक वोलेटाइल कंपाउंड है। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं जैसे इसको वाटर में ऐड करूंगा ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, क्लियर। सो और एक प्रॉब्लम है इसमें कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कि कौन सा एसीटोन या फिर कौन सा वाटर है, तो पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट पहले कर लेता हूं कि आपको दिखा दूं कि नहीं यही वाटर होता है और ये हमारा क्या है, एसीटोन। अगर मैं एसीटोन लेता हूं, सो अगर मैं एसीटोन लेता हूं फ्रेंड्स और इसको यहां पे डालता हूं, क्लियर, और अगर मैं इसमें आग लगाऊं, क्लियर, मतलब फायर करूं, तो देखो ये जल गया, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, एसीटोन है, और दूसरा जो गाइज मेरे पास कंपाउंड है ये है मेरे पास वाटर। क्या है ये, वाटर, और अगर मैं वाटर में आग लगाऊं या फिर फायर कैस करूं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सो ये दो तरह के हमारे पास लिक्विड है अभी, ये इसी सो अभी इसी दोनों लिक्विड को मैं मिक्स करने वाला हूँ, तो देखेंगे ये मिक्स होते हैं क्या। तो ये मैंने लिया यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, क्लियर, और पहले मैं इसमें वाटर डालता हूँ, दूसरा मैं इसमें डालने वाला हूँ इस एसीटोन को, और आप देख रहे होंगे ये दोनों लिक्विड कंप्लीटली एक दूसरे में मिसिबल है। क्या एक दूसरे में मिसेबल, मतलब दोनों के लेयर को अलग कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अब हम कुछ टेक्निक यूज करने वाले हैं जिसके थ्रू मैं वाटर को अलग करूंगा और इसमें जो वाटर प्रेजेंट है उसको मैं अलग करूंगा और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जो एसीटोन है उसको मैं अलग करने वाला हूं, क्लियर। सो फ्रेंड्स ये हम एक दूसरे को अलग कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 57 डिग्री सेल्सियस होता है। सो अगर मैं उस टेस्ट ट्यूब को हीट करूं कितना, 57 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो हमारा एसीटोन है वो भाप बन के अलग हो जाएगा और जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। सो उसी टेक्निक का हम यूज करने वाले हैं। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं फटाफट सेटअप तैयार करता हूं। सो फ्रेंड्स ये है स्टैंड, ये है स्टैंड फ्रेंड्स, ये मेरे पास है कलेक्टर, मतलब मैं इसमें जो एसीटोन आएगा भाप बनके ये इसमें मैं कलेक्ट करूंगा और यहां पे मैं मेरे में वाटर और एसीटोन दोनों, वाटर और एसीटोन दोनों क्या है इसमें मिक्स्ड है, क्लियर। तो अब मैं इसको यहां पे सेट करता हूं। अब मैं इसके लिए एक फ्लेम लूंगा, ये इसको मैं जलाऊंगा, सो फ्रेंड्स यहां पे मैंने इस सब्सटेंस को जला दिया है, क्लियर, और अभी क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ये गर्म होने लगेगा और गर्म होते होते क्या होगा कि ये अपने 57 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और ये भाप बनके यहाँ से इसमें कलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो जो हमारा एसीटोन है वो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा और जो वाटर है वो इसमें एज इट इज़ क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, क्लियर। तो मैंने अभी इसको हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया, अब देखते हैं कितने टाइम में इसका भाप बनता है। सो ये धीरे धीरे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गर्म होना स्टार्ट हो गया, मतलब आप बबल्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे, धीरे धीरे ये बबल स्टार्ट हो गया है। अभी धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ से भाप बनेगा और ये अंदर आएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो भाप बनना शुरू हो गया, ये आप देख रहे हैं ये लिक्विड धीरे धीरे इसके थ्रू क्या कर रहा है, यहाँ से इसमें कंडेंस होगा। अभी ये धीरे धीरे क्या होगा यहाँ से, ये क्या है, रुको जरा, सबर करो।
सो फ्रेंड्स ये हीटिंग होना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो वेपर है ये इसमें कंडेंसर में जमा होगा। तो देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा ये धीरे धीरे पूरा का पूरा क्या है, जमा हो रहा है। आप इसमें ड्रॉप वाइज देख रहे होंगे ये गिर रहा है, इसमें एसीटोन यहाँ पे आ रहा है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर जो है वो इसी में है। क्लियर, ये मैं आपको प्रूफ भी करने वाला हूँ कि इसमें एसीटोन है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही दिखाया था कि एसीटोन में आग लग जाता है और वाटर में आग नहीं लगता है, क्योंकि एसीटोन हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सो फाइनली यहाँ पे एसीटोन जो है वो जमा हो चुका है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको फटाफट सेटअप हटाता हूँ। सो गाइज इसमें हमारा वाटर है, उसमें एसीटोन है, तो ये मुझे प्रूफ कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर, सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये हमारा एसीटोन है ये मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं यहाँ पे गिराता हूँ। क्लियर, और मैं इसमें फायर लगा के देखता हूँ ये जलता है क्या। सो आप देख रहे हैं ये जल रहा है, ये हमारा एसीटोन है। क्या है ये हमारा एसीटोन, मतलब ये जल रहा है तो मतलब ये हमारा हो जाएगा एसीटोन। क्लियर, अब यही चीज़ मैं सेम वाटर के साथ में करता हूँ कि वाटर जलेगा या नहीं जलेगा। क्लियर, अब ये मेरे पास ये दूसरा है, दूसरा मतलब जिसमें वाटर है हमारा, तो मैं इसको खोल के देखता हूँ क्या इसमें सही में वाटर है। तो इसको यहाँ पे गिराता हूँ मैं थोड़ा सा, और मैं इसको फायर करके देखता हूँ। सो फ्रेंड्स आपने देखा होगा ये टू इनमिसिबल मैंने बनाया, जिसमें वाटर में मैंने एसीटोन डाल दिया और कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया। क्लियर, अब कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया तो मैंने उसको अलग कैसे किया, मैंने क्या किया, एसीटोन का मुझे पता था 57 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे वो भाप बन जाता है, और आपने देखा वो भाप बन के इस साइड आ गया, मतलब इस कंडीशन में जमा हो गया। और जो दूसरा हमारा लिक्विड जो हमारे टेस्ट ट्यूब में था वो था हमारा वाटर, क्योंकि वाटर को हीट करने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखाया कि नहीं इसमें एसीटोन ही था, इसमें वाटर था, क्योंकि इसमें फायर हो रहा था और इसमें नहीं हो रहा था। सो फ्रेंड साइंस रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज 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 डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।